सप्तिभिज आलिबाबा दास्ताने काबुल टू गेट अ न्यू लीड विद अभिषेक निगम कमिंग ऑन बोर्ड। द न्यूज दैट तुनिशा शर्मा पास्ड अवे हैज कम्प्लीटली शेकन द टीवी इंडस्ट्री एंड इट मॉर्न्स द डेथ ऑफ द यंग एक्ट्रेस। शी वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज फाउंड हैंगिंग इन कोस्टर सीजन खान्स मेकअप रूम। सीजन खान इज अरेस्टेड फॉर एबिटमेंट ऑफ सुइसाइड ऑफ द एक्ट्रेस। After the arrest, Season's role in the show has landed in jeopardy, and now he is reported going to be replaced by makers with Abhishek Nigam. However, there is still no confirmation on the same for the site of the makers. Season's police custody has been extended since the interrogation was not over by Wednesday. Meanwhile, Tunisha's mother claimed that the actor cheated on Tunisha and they were together. According to police officers, Season came up with different theories for breaking up with Tunisha and even broke down during investigation. तो माना जा रहा है अभिषेक निगम, जिनको हमने हीरो गायब मौत ऑन में देखा था एस लीड, उनको सीजन खान के जो रोल है अलीबाबा, ये अलीबाबा के रोल में हमको नज़र आ सकती है आपके फेवरेट शो अलीबाबा दास्ताने काबुल में। लेकिन मरियम के किरदार कौन निभाने वाली है अब तक ऑफिशियली कुछ भी कहा नहीं गया है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस बता रहे हैं कि अभिषेक निगम ही होने वाली है जो अलीबाबा के किरदार को निभाएंगे, जो सीजन खान को रिप्लेस करने वाला है। दूसरे न्यूज़ की हम बात करें, स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो एंड लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है बहुत जल्द 5 साल का लीप, जहां पर कहा जा रहा है चाइल्ड आर्टिस्ट साइंस कैरफ इज सेट टू एंटर इन स्टार प्लस ये रिश्ता क्या कहलाता है। ही इज लाइकली टू प्ले अक्षरा सन पोस्ट लिप इन द शो, जहाँ पर इसके लिप को लेकर ये सुर्खियों में है क्योंकि इस शो में बहुत ही जल्द 5 साल का लिप आने वाला है। उसके बाद अभिमन्यु और अक्षरा की राहें अलग अलग होने वाली है, तो कहानी में बहुत ही ज़्यादा नई नई ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं इसके अपकमिंग एपिसोड में। थर्ड न्यूज़ की हम बात करें, जी टीवी पर कुछ समय पहले शुरू हुआ शो रब से है दुआ पर आ गया है, हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन इस शो की टीआरपी उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा कम निकल रही है, जहां पर इस शो की लास्ट 2 वीक्स की टीआरपी सिर्फ 0.6 ही निकल रही है, जहां पर इस शो की इनकम भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। माना जा रहा है इस शो की अगर आने वाले समय में इस शो का टीआरपी इंक्रीज नहीं हुआ तो शो को ऑफ एयर किया जाएगा। इस शो ने संजोग सेल को रिप्लेस किया था, जो इसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अच्छा टीआरपी दे रहा था। क्या आप देखते हैं रब से है दुआ? जी टीवी पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।